हम लोगों को आज बुलाया था, तो माधुकर जी को साथ में हम बस हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ी माता के, बिलासपुर में स्टेशन के बगल में ही है बड़ी माई माता मंदिर है, तो वहीं पे एक गुरु भाई भी रहते हैं। तो हमको जब मालूम चला तो वो गुरु भाई हमें बोले भी थे आने के लिए, तो दो दिन से तो थोड़ा बारिश हो रहा था, मौसम सही नहीं था, तो यहाँ आ नहीं पाए, तो आज आए हैं। चलिए आप लोग तो यहीं पे ये जो मंदिर है मरी माई छठ घाट के पास, और यहीं पे इनका एक आश्रम बना हुआ हम देख रहे हैं। ये हमारे गुरु भाई ही हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं गुरु जी का लगाया हुआ। जय निकेश्वर, जय महाकाल, जय महाकाल। तो इनका आश्रम यही था, और अभी जाते हैं, अभी हम लोग मिलेंगे इनसे, थोड़ा बात होगा। इधर उधर सुनना और करना फर्क। देखिए आजकल के युग में ना, जो पत्नी होती है उसको बिगाड़ती है उसकी माँ। माँ कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी दुख भोगे, और बहू को दुख भोगाने के लिए तैयार रहती। देखिए, और जब तक खुद में संतुष्ट नहीं हो पाएगी, जब तक आप साधना सिद्धि नहीं करोगे, देखो डॉक्टर के पास जाओगे तो कान दर्द बताएगा, नहीं भाई कोई ना कोई वो बताएगा। आप मेरे पास आए हो तो मैं हर चीज का उपयोग आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, साधने में। हम लोग वो चीज किए हैं तो उसका लाभ हम दे। वो जो है तांत्रिक लोग जो है मना कर दिए, आप अंदर ऐसा है फलाना नियम बताने लगे, पढ़ना तो कहीं भी उसका यही गति है। धर्म को जो आड़े वही तो ले लेता है ना। तो गुरु जी बाहर में बैठे और बाहर में बैठ करके साधना करते हैं। जब थोड़ा देर बाद पंडालों का हालत खराब हुआ तो पंडा लोग आए और सम्मान गुरु जी को लेकर गए महाकाल जी के दरबार। उस दिन से आज तक आप सिर्फ गुरु जी का नाम लेंगे, आपके लिए गेट खुला है, आप अंदर जाए किसी का कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं कि हम जो है आपको नहीं जाने देंगे। और उनको जो है तांत्रिक लोग जो है मना कर दिए कि गुरु जी बाहर में बैठे और बाहर में बैठ करके साधना करते हैं। जब थोड़ा देर बाद पंडालों का हालत खराब हुआ तो पंडा लोग आए और सम्मान गुरु जी को लेकर गए महाकाल जी के दरबार। उस दिन से आज तक आप सिर्फ गुरु जी का नाम लेंगे, आपके लिए गेट खुला है, आप अंदर जाए किसी का कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं। यही हमारे बिलासपुर के गुरु भाई हितेश जी, तो इनसे भी मुलाकात मेरा हो चुका है, और फिर इनसे शिविर में अगर मुलाकात होगा तो फिर भेंट करेंगे इनसे भी। उनका आश्रम आकर के तो बहुत ही अच्छा लगा। बोल रहे थे कि आप दीक्षा कब लिए थे, 2000 कितना में? लगभग सन याद नहीं है आपको? लगभग हम 2014 में दीक्षा लिए, मेरे को सन याद नहीं है। अच्छा, काहे कि गुरु दीक्षा ये मायने रखता ना, मतलब वो भी जानते ही हैं कि वो डेट भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरा ये था कि मैं जिस दिन गया था उस दिन दीक्षा लेने के मूड से नहीं गया। अच्छा, मैं क्या है बहुत मतलब प्रैक्टिकल व्यक्ति था, हर चीज को छू के ही देखना करेंट आ रहे कि नहीं आ रहे, उसमें करेंट है तो नहीं मानता था। जब तक मैं ना छू तो मैं छूने गया था, वास्तव में ऐसा कुछ है। जब वहाँ गया तो कुछ समझ ही नहीं आया, अलग दुनिया हो गया। गुरु जी से जुड़ने के बाद तो अभी जो गोपीनाथ मालिया थे उससे पहले जो वो थे अभी तो राजगोपाल थे, तो
होता है गोपाल के बाद, अभी जो प्रसाद है गुरु भाई हितेश जी से मुलाकात हो चुका है, यही था इनका आश्रम। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जय निकलेश्वर, जय महाकाल, जय गुरुदेव।